रेडी होना। तो कितनी देर में पहुंच रहे हो भाई? 15 मिनट में, लाइक 3:30 बजे आपके पास होगी। बात हो गई तैयार। सुबह की दवाई खाली, निकलते हैं। प्रभात फेरी फर्स्ट टाइम देखूंगा मैं। तुम्हारे लिए भी फर्स्ट होगा? फर्स्ट टाइम सर। तुम्हारे तो फर्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल में। क्या बात है। अरे वाह। धर्म, विश्वास, आस्था। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए ये हमें अच्छे पथ पर रखने का आमंत्रण देते हैं और हमें याद दिलाते हैं हम में अच्छाई है। तो हम पुराने अमृतसर दोबारा आ गए हैं। सुबह 3:30 बजे बंधु। आइए, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक अनूठे अद्भुत अनुभव की तरफ जो मुझे मिला कुछ ही दिनों पहले अमृतसर में। अभी तो हम जाएंगे, खुलेगा फिर शुरू होगा। अच्छा, ये जो बसें दिख रही हैं हमको ऐसी फ्री में चलती हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों को भी दर्शन के लिए आना है वहाँ से लेके आएंगे और वापस छोड़ के आएंगे। मेरी मदर भी जो थी कई कई दिन तक लगातार नंगे पांव घर से गोल्डन टेम्पल तक जाती थी। जब भी मैं कहीं जाता हूँ मन में सवाल आता है कैसा रहेगा अनुभव, लेकिन आज ब्रह्म मुहूर्त का समय था, मन बहुत शांत था। शांत। जब स्वर्ण मंदिर को हम दूर से देखते हैं तो एक अजीब सी शांति मिलती है, और जब उस आंगन में पांव गिरते हैं तो वहां की शीतलता पूरे शरीर और मन में फैल जाती है। स्वर्ण मंदिर के परिसर में दाखिल होते ही एक अद्भुत अनुभव होता है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की सेवा दिखती है। बहुत जोर से प्यास लग रही थी मुझे, मैं सोच ही रहा था। आज सुबह हम लोगों ने किसी से बातचीत नहीं की थी कि हम वहां जाने वाले हैं। ये पालकी है, ये गुरु ग्रंथ साहब को इन्होंने वहाँ से रात को विश्राम के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं मेन गुरुद्वारे से। अद्भुत अनुभव की शुरुआत हो चुकी थी। सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ होगा इतने करीब। अचानक एक ग्रंथी साहब ने मुझे बुलाया और मैंने खुद को पालकी के करीब पाया। और फिर मुझे मौका मिला पालकी को कंधा देने का। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि ये अनुभव कितना अनूठा था। मैं स्वर्ण मंदिर कई बार पहले आ चुका था, लेकिन ये पहला मौका था मेरे लिए प्रभात फेरी के वक्त यहाँ होने का। प्रभात फेरी के वक्त जा रहे हैं। दीदार सिंह जी के साथ आज मैंने दर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम अलग अलग हो गए हम लोग। अंदर जाते जाते इतनी भीड़ थी ना। जयप्रकाश अभी भी मेरे ख्याल से दर्शन कर रहे हैं अंदर। दर्शन, दर्शन क्या सिर्फ देखना है या एक अनुभव है? तभी तो फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। नद माथे से हमने किया दर्शन,
इन लोगों ने पीटीसी के ऑफिस में बुलाया, अब चाय पियेंगे हम लोग साथ। पीटीसी का आप लोग ऑफिस, वाह वाह। शुगर है वो करेक्ट कंट्रोल में। हाँ धर्म, विश्वास और आस्था, इस सब में चार चांद लगाते हैं श्रद्धालु। आज हम सब श्रद्धालु एक होकर लीन थे, सोच रहे थे हम इस अवसर के बारे में, सोच रहे थे बरकत के बारे में जो हम सबको मिली है। बंधु, यही तो जिंदगी है, जब हम अपनी बरकत को पहचान जाए, हमें मिले आशीर्वाद को पहचान जाए। हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं, और ये जो सुबह का जो पीरियड था जब हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब की वापस जो सुबह के वक्त लेके जाते हैं वो देखा, इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस। और ये प्रभात फेरी, ये जोत लेके जब वहाँ पहुँचते हैं, इट इज अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। सत श्रीकाल जी। वाह 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 जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी, खुश हो गई तबीयत, खुश हो गई जी आपने मिलकर। महाराज महाराज, वाह, बादल फिल्म से लेके सारी पिक्चर देखी आपकी जी, बहुत 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 खुशी है जी। आज तो मन तृप्त हो गया जी आपको देख के, बहुत बहुत। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है मनिंदर पाल सिंह। मनिंदर पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपका जी, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे हर अनुभव को खास बनाते हैं मेरे साथ चलते दोस्त। आज ये दो खास दोस्त थे मेरे साथ, और आप भी तो। जी हाँ दोस्तों, मैं दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूं, और आप मेरे दोस्त हैं। साथ ही एक जिंदगी है, इस जिंदगी में साथ घूमते हैं, मुस्कुराते हैं, और अनूठे अनुभव एक दूसरे में बांटते हैं, जिंदगी में मिठास बढ़ाते हैं। कल रात को हम यहाँ पाए गए थे। अच्छा, आप रात को भी ड्यूटी पर थे? अरे अरे अरे, क्या बात है, वाह वाह, देखिए तैनात हैं, और हम यहाँ पर कल रात को आए थे जलेबी खाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच। आप लोग सब भी राजेंद्र और अमिता को मिल रहे हैं इस ब्लॉग में। ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, और बहुत मजा आ रहा है। हमारे सुपर डुपर सीनियर हैं, एंड वी हैव दिस प्रिविलेज टू मीट हिम सो क्लोजली। अमृतसर की कुछ और बातें भी हैं जो अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल डेली आशीष विद्यार्थी, जरूर।